हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको फाइल हैंडलिंग में बताएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल मैनेजमेंट फंक्शन, यानी जो हमारे फाइल हैंडलिंग में जब भी हम उसके प्रोग्राम को यूज़ करते हैं फाइल हैंडलिंग में, उसमें ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिसे हमें पता होना चाहिए, जिससे हम अपने काम को और आसानी से कर सकते हैं। या अब सबसे पहले हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जितने भी हैं हम सभी को आपको बताएंगे और प्रोग्राम में किस प्रकार से ये वर्क करते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहला है हमारा एफ ओपन, यानी कि एफ ओपन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, क्रिएटिंग अ फाइल और ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। अगर आपको फाइल को क्रिएट करना है या फिर एग्जिस्टिंग फाइल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एफ क्लोज फंक्शन, क्लोजिंग अ फाइल। अगर आपको फाइल को क्लोज करना है तब आप क्या करेंगे, एफ क्लोज फाइल का यूज करेंगे। नेक्स्ट एफ क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एफ प्रिंट एफ फंक्शन, राइटिंग अ ब्लॉक ऑफ डेटा टू अ फाइल। अगर आपको क्या करना है, ब्लॉक ऑफ डेटा राइट करना है अपनी फाइल में, तब आप एफ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एफ स्कैन अप फंक्शन, ये क्या होता है, रीडिंग अ ब्लॉक ऑफ डेटा, रीडिंग अ ब्लॉक डेटा फ्रॉम अ फाइल। आपको क्या करना है, जिस प्रकार से हम राइट करते हैं सेम वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को रीड कर सकते हैं एफ स्कैन अप फंक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा है गेट्स, यानी गेट सी जो हमारा फंक्शन होता है, इसे हम क्या करते हैं, रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। अगर आपको सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही रीड करना है अपनी फाइल से, तब आप किसका यूज करेंगे, गेट सी फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है पुट सी फंक्शन, क्या करता है, राइट्स अ सिंगल कैरेक्टर टू फाइल। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर को राइट करना है अपनी फाइल में, तब आप किसका यूज करेंगे, पुट सी फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, गेट डब्ल्यू फंक्शन, रीड्स एन इंटीजर फ्रॉम अ फाइल। अगर आपको क्या करना है, कोई भी इंटीजर नंबर को राइट करना है, रीड करना है, तो आप किसका यूज करेंगे, गेट डब्ल्यू फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है पुट डब्ल्यू फंक्शन, राइटिंग एन इंटीजर टू अ फाइल। अगर आपको कोई एक इंटीजर वैल्यू को क्या करना है, यानी कि आपको इंटीजर वैल्यू को राइट करना है अपने फाइल में, तब आप पुट डब्ल्यू फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एफ सीक फंक्शन, एफ सीक फंक्शन क्या करता है, सेट द पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन। आपको अगर क्या करना है, फाइल की पोजीशन को क्या करना है, एक स्पेसिफाइड लोकेशन पर सेट करना है, तब आप किसका यूज करेंगे, एफ सीक फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, हमारा एफ टेल फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर। एफ टेल फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारे फाइल की करंट पोजीशन होती है उसको क्या करता है, ये रिटर्न करने का काम करता है। रिवाइंड फंक्शन क्या करता है, सेट्स द फाइल पॉइंटर एट द बिगनिंग ऑफ अ फाइल। अगर आप क्या करना चाहते हैं, अपने फाइल पॉइंटर को बिगनिंग में करना चाहते हैं, यानी स्टार्टिंग में क्या करना चाहते हैं, तब आप किसका यूज करेंगे, रिवाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं एफ ओपन फंक्शन कैसे वर्क करता है और एफ क्लोज फंक्शन कैसे वर्क करता है। अगर आपको क्या करना है, एफ क्लोज फंक्शन का यूज करना है तो आप कैसे करेंगे, एफ ओपन फंक्शन का यूज करना है तब आप कैसे करेंगे। ओपन का हम बता चुके हैं, उसी में हम आपको बताते हैं क्लोज फंक्शन का यूज करना। क्लोज फंक्शन के लिए हमें सिंपल सा क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एफ क्लोज लिखना होता है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, फाइल जो भी हम फाइल का नेम दिए रहते हैं, यानी जो भी हमारा पॉइंटर नेम होता है, फाइल पॉइंटर, उसको हम लेते हैं। तो यहाँ से हम एफ क्लोज लिखेंगे, उसके बाद हमारा फाइल पॉइंटर क्या है, एफ पी है, इसको राइट करेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, एफ 11 से अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तुम्हारा प्रोग्राम क्या हो गया, सक्सेसफुली रन हो गया, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, जो हमारी फाइल क्रिएट हुई है वो क्या हो गई, सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर प्रोग्रामिंग नेम की। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस डेटा को ओपन करते हैं, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, अगर हमें फाइल को एग्जिस्टिंग करना है, यानी कि एग्जिस्टिंग फाइल क्रिएट करना था, हम ओपन फंक्शन का यूज़ किया है, अगर हमें फाइल को क्लोज करना है तो एफ क्लोज फंक्शन का हमने यूज किया। तो आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो भी हमारे फाइल मोड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।